इजराइल और ईरान के बीच भयंकर तनाव के हालात हैं और इस बीच में एक खबर है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तो नाबूद करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया है जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचकर हमला करने की ताकत रखती हैं। इनमें से कुछ की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं। ईरान ने आज अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन इनमें भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इजराइल के जनरल खौफ खाते हैं। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल सेज्जिल मिसाइल ईरान के द्वारा 2 चरणों में विकसित की गई है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी। इसका डिजाइन ईरान के ज़ेलज़ल SRBM से लिया गया था। सेज्जिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमले कर सकती है। ये हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है। ईरान की दूसरी घातक मिसाइल खैबर मिसाइल ईरान की खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। खैबर मिसाइल ईरान की मिसाइल फैमिली की 4th पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बनाई है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूद और हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का नाम ईरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था, जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था। खुर्रम शहर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दौरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है। ये मिसाइल ईरान में सयाद 3 मिसाइलों के साथ एक खास समारोह में दिखाई जा चुकी है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल इमाद मिसाइल इमाद मिसाइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है। यह मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है। इमाद ईरान की पहली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य के 500 मीटर के दायरे में सटीक हमला कर सकती है। इजराइल इस मिसाइल को अपने लिए विशेष खतरा मानता है। ईरान की 4th घातक मिसाइल शहाब 3 मिसाइल शहाब मिसाइल भी ईरान ने विकसित की है। यह ईरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग 1 पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 1200 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हल्के पेलोड के साथ यह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल चीन में बनी हुए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है।
शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ही करती है। ईरान की पांचवी घातक मिसाइल फत्ता 2 मिसाइल। फत्ता 2 ईरान में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम हो रहा है और भविष्य में इसके और संस्करण बनाए जाने की उम्मीद है। फत्ता 2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पहचाने लक्ष्य को भेदने और निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा फत्ता ठोस ईंधन बूस्टर जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाता है और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वॉरहेड है जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। फत्ता 2 मिसाइल को ईरान के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की सबसे घातक मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आयरन डोम के कवच को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। दरअसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर ईरान ने बड़े बड़े दावे किए हैं और इनमें से एक दावा यह भी है कि यह मिसाइल आयरन डोम को तोड़ देगी। जब ईरान ने यह मिसाइल बनाई थी तब ईरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि इजराइल के शहर तेल अवीब को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर देगी। जून 2023 को ईरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ एक महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इजराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इजराइल को हिट कर देगी। ईरान के अंदर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के बाद बहुत जबरदस्त जोश है। ईरान के सरकारी टीवी में ये दावा किया गया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के एयर डिफेंस और इजराइल के आयरन डोम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है। ईरान के इन बड़े बड़े दावों पर इजराइल की भी त्योरियां चढ़ गई हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हथियारों के बारे में शेखी भगा रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हथियार के लिए और भी बेहतर जवाबी हथियार तैयार हैं, चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री क्षेत्र। ईरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा। इसराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी रफाइल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीज किया गया। इजराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस क्षमता का हर कोई लोहा मानता है। इजराइल के पास दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का दावा है कि उसने दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तैयार कर लिया है। स्काईसोनिक नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम आवाज से 10 गुना तेज यानी मैक 10 तक की रफ्तार से गुजरती मिसाइलों को ट्रेस कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है, स्काईसोनिक फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेगा। यही नहीं, स्काईसोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों तरह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे। अगर युद्ध हुआ तो ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या खास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है।
हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज 1 घंटे में 1225 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस तरह 1 मैक स्पीड का मतलब है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक स्पीड का मतलब है 6125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर गुजरने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है। इतना तेज हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे। इन सामाने दारय सुरअत बिस्यार बिस्यार बालाईस व मनोपजीरी दर जब व बिरून जब रो दर यानी हम सामान है फदाफंदी के दर दाखिल जब दफा मिकनन व हम सामान है फोकलादी गेरून कीमती के दर बिरून जब مقابله میکنم با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا ده‌ها سال بعدم. کل ملا کر مڈل ایسٹ کے حالات تناؤپور بنے ہوئے ہیں اور اسرائیل ایران کے بیچ کبھی بھی ایک بڑا یدھ چھڑ سکتا ہے।